श्री मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं का जीवित होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन भोजपुर में उच्चथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। मरुद्विधे तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी मुझे पति धन पुत्र संपूर्ण मनोरथ और पातिवृत्य पालन की शक्ति दो। यों कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उचित की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूम घूम कर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले कमले सुव्रते सुरसे आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान धीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान वृक्ष मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यो कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख
एवं भुजाओं को ऊपर उठाए, सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशिंग जल में विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया, वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जल समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टि गोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमय पयुषोनी से मुक्त किया है। दयानिधे, अब मैं अपना सारा वृतांत बतलाता हूँ। सुनिए, पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दम से सदा ही दूर रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में भी कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय बिना उन्हें मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा
उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गांव की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई, कन्यादान, गोदान और भूमि दान किए, तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया, उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदनंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने मायाजाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे, अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया, अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मन्वंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यों कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूतक्षय औदुम्बर दग्न नील परमेष्ठी वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौं से युक्त
आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान। आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते, कालदंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल स्वरूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं। उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्टियों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र बहु की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होंठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों और दो दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चवर लिए डुला रही हैं। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। सही मणिपुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी में उन्होंने प्राणियों का संचार करते, वचनों से संतोष देते तथा गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी सत्पुरुषों के संगी संयमणिपुरी के स्वामी धर्मात्मा
तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं। उन धर्मराज को नमस्कार है जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंजती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सींगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मुसल, खडग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, शौच संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी, शनेश्वर और वैवस्वत मनु इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं। उन भगवान यम को नमस्कार है। भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांध कर आपके सामने उपस्थित करते हैं तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के श्रेष्ठ भ्राता, आप यमराज को मेरा प्रणाम है। जब आपका अंतक रूप धारण करते हैं उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है और आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के समान प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर वृक्षरिंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना।